अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू कीमा पालक बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल अलग। तो हमने उसके लिए 1 किलो कीमा ले लिया, ये बड़े का कीमा है और थोड़ा मोटा मोटा लिया है। और 3 पाव हमने पालक लिए, काट के रख लिए। और 4 आलू, 4 से 5 आलू लिए थे हमने मीडियम साइज के, उसके 8-8 पीस कर लिए हमने आलू के। 2 बड़े साइज के टमाटर हैं, 1 बड़े साइज का प्याज है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। सामान हम डालते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। तो तेल लिया हमने 4 चम्मच, तेल हमारा गरम हो गया, हमने सरसों का तेल लिया है। पहले प्याज डाल देंगे, प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है, ज्यादा हमें गोल्डन नहीं करना है, तो इसमें हम कीमा डाल देंगे। अच्छे से मिला देते हैं। इसी के साथ साथ 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मिला देते हैं अच्छे से। अदरक लहसुन में कस लें, अगर चाहो गोश्त हो, कीमा हो, मटन का हो या चिकन का हो, तो उसका कलर जो है चेंज नहीं होता है, कलर उसका वाइट ही रहता है। और जो इसमें छिटलैन होती है गोश्त की, वो सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, तो वो अदरक लहसुन लगा के आधे घंटे के लिए रख दें और फिर उसको धो लें अच्छे से, धो के और फिर उसे इस्तेमाल करें, तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। तो इसे हम भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए कीमा अच्छे से भुन गया, सारा ऑयल ऊपर आने लगा है। देखिए अब इसमें हम पालक डाल देते हैं। देखिए पालक डाल दिया हमने, इसे अच्छे से मिला देते हैं। इसमें हमने पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। ये देखिए हमने पालक जो अच्छे से मिला दिया। अब हम इसमें सीटी लगा देंगे, तो 10 मिनट हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसे 10 डाल लेते हैं भाप। देखिए कितनी बढ़िया से खुशबू आई है, देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये चूल्हा जला लेते हैं। देखिए हमने इतना सा भी पानी नहीं डाला था, इसी के ही पानी में पालक के टमाटर का या कीमे का जो भी पानी था उसी में ही गल गया ये अच्छे से। इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसे हम फिर भूनेंगे। देखिए आलू डाल दिए हमने, तो हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। साबुत गरम मसाला डालने से क्या होता है कि इसमें पालक वगैरह कीमा है तो वो निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए 1 टीस्पून हम जीरा पाउडर डाल देंगे। भुना हुआ पिसा हुआ इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वीडियो आप पूरी एंड तक जरूर देखें ताकि आपके भी समझ में आए और कोई अलग चीज सीखने को मिले। ये देखिए पानी हमने अभी नहीं डाला इसमें, पूरे हमारा सालन बन के तैयार हो रहा है, तो पानी का हमने यूज नहीं किया बिल्कुल भी। तो इसे लगा देते हैं फिर से। तो 1 सीटी आने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और गैस में भाप में ही छोड़ देंगे। सीटी आने के बाद हमने थोड़ी सी देर छोड़ दिया था, जो भी भाप है इसकी हम निकाल देते हैं और चेक करते हैं। देखिए अभी ये पक रहा है अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है और आलू भी गल गए हैं, इनकी शक्ल बता रही है आलूओं की, और बहुत छोटे छोटे साइज के। और ये देखिए बिना पानी के हमारा खाना बन के तैयार हो गया है, हमने पानी बिल्कुल यूज नहीं करा इसमें, इतना सा भी बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। और इसमें आपकी मर्जी है, धनिया ऊपर से डाल सकते हैं आप, जिसको धनिया पसंद है। तो ये बिल्कुल तैयार है एकदम जैसे हमें चाहिए था। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखा करें ताकि आपको भी पता चले। बहुत ही आसान आसान चीजें लाते हैं और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया होती है। देखिए अदरक और हरी मिर्च जो हमने रोकी थी वो डाल दी है ऊपर से,
हमारे अगर चाहे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।